मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के अंधेरी में दो समूहों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक युवक की किस तरह से बेरहमी से कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में लोहे की रॉड और बेरहमी से युवक को पीटा जा रहा है। जिस तरह से ये मारपीट हुई है, इस घटना को लेकर इलाके में दहशत है और मारपीट करने वालों के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन का स्थानीय लोगों ने घिराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ये घटना अंधेरी पंप हाउस के पास की है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनकी पहचान प्रकाश यादव, रोहित यादव, रानू गुप्ता और विनायक अंबेडकर के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ धारा 307 दंगा करने के प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इथे दुर्घटना घटण्याची शक्यता आहे और आज रात को 10 बजे के पहला ये पूरे 7-8-10 लोग मिलके ये 4 से 5 लोगों को घर में घुसकर चॉपर और रॉड से मिल लेकर, अपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, बेरहमी से मार डालने के लिए मारा। और उसके बाद मैंने फिर सीनियर साहब को फ़ोन किया, बोला साहब यहाँ पर जल्दी आप किसी कांस्टेबल या ऑफिसर को आप भेजो। हम सारे, मैं, संतोष मेडेकर जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हम सब ट्रॉमा में पहुँचे। तब तक एक भी हवलदार का पता नहीं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और वहाँ पर जो मारने वाले आरोपी बैठे थे, बहुत बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, वहाँ जो बैठे हुए आरोपी थे वो हॉस्पिटल से निकल के गए और 5वें आदमी को वापस जाके गले के ऊपर मार दिया। शायद वो मर जाएगा, इसी अंदाज है, भगवान करे वो ना मरे, लेकिन इस प्रकार से उसको मारा गया है। ये पुलिस की दहशत है। पुलिस को कोई डरता नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इसलिए मेरी मांग है कि यहाँ पर MIDC पुलिस स्टेशन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये घटना की है, ये दुर्घटना करने की कोशिश की है, ये मुंबई शहर है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, लोग यहाँ पर मुंबई पुलिस का नाम लेते हैं, तो इसलिए हमारी मांग है कि वो आरोपी को अगर रात तक यहाँ पर नहीं लाया जाता है तो फिर से सुबह से हम यहीं पर आंदोलन करेंगे। ये कोई राजकीय स्टंट नहीं है। हम हार्डली किसी बस्ती के अंदर कोई गरीब आदमी मारा जा रहा है, इसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे। पंप हाउस एरिया MIDC पुलिस स्टेशन में है, उसमें 2 गटों में झगड़ा हुआ है, उसमें करीब 7 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें से 5 लोग किरकोर जख्मी हैं और 2 लोगों को ज़्यादा चोटें लगी हैं और मारने वाले करीब 7 से 8 लोग हैं और उनमें भी कुछ लोगों को चोटें लगी हैं। वो 8 लोग में से हमने 1 आरोपी अरेस्ट किया है, 3 आरोपी हमारे ताबे में है लेकिन उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर। वो जैसे ही डिस्चार्ज होंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे। और जो लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए थे उनको हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं ऐसा समझा के, और आरोपी क्योंकि हमने अरेस्ट कर लिए हैं ऐसा समझा के उनको आप अपने घर भेज दिए। अभी जो हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें ऐसा पता चला है कि पहले इनका कुछ झगड़ा हुआ था एक चोरी को लेके, लेकिन अभी एग्जैक्ट स्पॉट पर क्या झगड़ा हुआ, किस बात पे आज स्पॉन्टेनियस झगड़ा हुआ, उसके बारे में जब हम और तपास करेंगे, सारे आरोपियों को लेकर इंटरोगेट करेंगे, तो आगे की चीज़ें पता चलेंगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।